दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 43 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? हु इज नोन इज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? इनका नाम है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे चार्ल्स कॉर्नवालिस भी कहते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज इन इंडिया, अगर ये पूछा जाए हु इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तब आपको बताना है वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं, जो वेटल हुआ था दोस्तों बक्सर का, इसमें अंग्रेज के सेनापति कौन था, ठीक है, कमांडर कौन था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की जो फर्स्ट ट्रीटरी हुई थी, ठीक है, संधि हुई थी, ये कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी दोस्तों 12 अगस्त 1765 को। भारत में पुर्तगाली राज्य का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था? तो इनका नाम है दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म में संगत एवं पंगत का प्रचलन किसने शुरू किया था? दोस्तों सिख धर्म में संगत एवं पंगत का प्रचलन गुरु नानक देव ने शुरू किया था। डच लोग कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था, किसने किया था? गुरु हरगोविंद साहिब ने किया था। आगे बढ़ते हैं, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों हिंद की चादर के नाम से गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। वो ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, फ्रांसिसियो ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री जो है इन्होंने लगाया था। कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था? जॉब चरनॉक ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कब ये इस्टेब्लिश किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है दोस्तों ये 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? दोस्तों प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? इनका नाम है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का ये जो वेटल है दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो ये दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था वेटल ऑफ बक्सर। आगे बढ़ते हैं, बंगाल में द्वैत शासन का मतलब यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट जिसे डायरकी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना किसने किया था? जहां पर दोहरी सरकार हो। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा डबल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अंग्रेजी राज्य के जो वास्तविक जो फाउंडर है दोस्तों ये माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? दोस्तों इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर भारत का तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, तो यहाँ पर तो ऑप्शन में है नहीं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर सिराज गोपालचारी था, तो आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ गाइस, अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब आपको बताना है लॉर्ड विलियम वेंटिक। लेकिन वहीं पर अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, यह ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों भारत का लास्ट वॉइसराय कौन था, तब आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और लास्ट वॉइसराय थे। आगे बढ़ते हैं, अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तब आपको सिराज गोपालचारी बताना है। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम वॉइसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वॉइसराय था दोस्तों इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वॉइसराय था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, हम्मुराबी कहाँ का
शासक था। दोस्तों ये वेविलोन का शासक था, वेविलोन का शासक था, रूलर था। वांडीवासा का जो ये वेटल है ये कब हुआ था? तो वांडीवासा का जो वेटल है दोस्तों ये हुआ था 1760 में, 1760 में। आगे बढ़ते हैं, वेदरा का जो ये वेटल है ये कब हुआ था? तो वेदरा का जो वेटल है ये हुआ था 1759 में। वेदरा का वेटल 1759 में हुआ था, 1759 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी किसके काल में हुआ था? तो ये इल्बर्ट विल विवाद दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक ना, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच वांडीवासा के वेटल में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों अंग्रेजी सेना को लीड जो है ये आयर कूट ने किया था, आयर कूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाट ये जो वेटल है किस समाप्ति, किस संधि के माध्यम से हुई थी, कौन सी टेरिटरी पर जो है एग्रीमेंट बनी थी? तो ये हुई थी दोस्तों एक्स लॉ सापेल, एक्स लॉ सापेल की संधि के माध्यम से। प्लासी का ये जो वेटल है जो दोस्तों ये कब हुआ था? तो आपको पता है 23 जून 1757 को, ठीक ना, मैं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है ये दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। भारत में परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? ये स्थान है दोस्तों नांदेड़, नांदेड़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पिंडारियों का दमन इन्हें सप्रेस्ट किसने किया था? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पिंडारी कौन थे। तो ये इरेगुलर आर्मी थे दोस्तों, इरेगुलर आर्मी थे, ठीक है, ब्रिटिश काल में। और इसका जो दमन है इन्हें सप्रेस्ट किया गया था, ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगाया था। भारत में सती प्रथा का अंत अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तब आपको कब बताना है, ठीक है ना। सती जो प्रैक्टिस है इसका जो अंत है दोस्तों ये हुआ था 4 दिसंबर, ठीक है ना, 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है, 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत हुआ था। अब किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रैक्टिस को बैन किया गया था, ठीक है, एक प्रस्ताव पारित करके, जो कि 4 दिसंबर 1829 को हुआ था। सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन थे, कमांडर चीफ कौन थे? तो सिराजुद्दौला के जो प्रमुख सेनापति थे दोस्तों ये थे मीर जाफर, ठीक ना, मीर जाफर थे। इन्होंने गद्दारी किया था इनके साथ। आगे बढ़ते हैं, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो इनका नाम है दोस्तों टीपू सुल्तान ने लगवाया था, टीपू सुल्तान ने। तृतीय कर्नाट जो ये वेटल है कि संधि के द्वारा समाप्त हुई थी? तो इस टेरिटरी का नाम है पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी स्थापित की थी। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? इनका नाम है दोस्तों साई मियां मीर, साई मियां मीर। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु आपको पता है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ये टाइम है दोस्तों 1799 में, 1799 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसने शुरू की थी? दोस्तों इस बुक में इस क्वेश्चन का सही आंसर लॉर्ड कर्जन दे रखा है, बट गाइस कहीं पर जो है ना लॉर्ड मिंटो भी बताया गया है, तो मुझे कन्फर्म नहीं है किसका सही आंसर क्या है। अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। वैसे गाइस अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू जो है बंगाल का विभाजन करवाया था, ठीक ना, 16 अक्टूबर 1905 को। तो वैसे अगर ऑप्शन में लॉर्ड मिंटो दे रखा हो तब उसे लगाइएगा, अगर लॉर्ड कर्जन हो तो लॉर्ड कर्जन लगाइएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का जब वेटल हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब जो था
ये था दोस्तों मीर जाफर। मीर जाफर था बंगाल का नवाब। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल का जो है दीवानी राइट प्राप्त हुआ था? दीवानी राइट का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मतलब इसके थ्रू दोस्तों ये राइट प्रदान किया गया था, ये अधिकार दिया गया था कि वो जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, का दीवानी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, अंग्रेजों की किस संधि के द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी टेरिटरी? तो ये दोस्तों इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि।